हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी साइंस एंड टेक की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रखी है, और उसमें हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा है वो 6th लेक्चर हम लोग करेंगे, और ये बात हम लोग पहले ही वीडियो में, जो फर्स्ट हमारा वीडियो आया था उसमें ये चीज क्लियर कर चुके थे कि हम लोग जो भी मेंस के जो सिलेबस है, आरएस का जो मेंस का सिलेबस है, उसका एक एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड हम लोग चल रहे हैं। मतलब 5 वर्ड जो सिलेबस में मेंशन है या 5 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा 6th वर्ड का नंबर है, या फिर 6th टॉपिक का नंबर, और वो कौन सा है? हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। की क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है उसके ऊपर देखते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता रहता है, तो इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या कैटेगरीज हैं, एडवांटेजेस या फिर उससे चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिए हैं या नहीं, और फिर हमारा कंक्लूजन। ठीक है, हर वीडियो में हम लोग इसी तरीके से करते हैं। क्या ये वर्ड जो हम लोग आज कवर कर रहे हैं, क्या हमारे सिलेबस में मेंशन है आरएस के मीन्स में? हाँ, ये हमारे आरएस के मीन्स में मेंशन है, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या वर्ड मेंशन है? क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू आया है? नहीं, इससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू नहीं आया है। मतलब पिछले सालों में इससे रिलेटेड कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं आया है जो इसे पूछा गया हो। तो आप बोलोगे कि हम लोग क्यों कर रहे हैं? भाई, नहीं पूछा गया है तब भी तो चांस है ना कि यहाँ सिलेबस में तो दिया गया है ना, सिलेबस में तो मेंशन है, और हमारा काम है कि हमें सिलेबस का एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, जैसे अभी साइंस एंड टेक का कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लेके आएंगे। तो सिलेबस वाइज चलना है अपने को, वर्ड बाय वर्ड। ओके, आगे चलते हैं। भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? अब देखो, साइंस एंड टेक का जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा, या हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि साइंस एंड टेक से या किसी भी टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, डिफाइन दिस टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन दिस टेक्नोलॉजी, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर इनिशिएटिव लिए, क्या स्कीम्स चलाई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अपने को हर टॉपिक को प्रिपेयर भी वैसे ही करना है। ओके, देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप ये मत सोच लेना कि भाई किसी बादल पे बैठ के आप क्या कर रहे हो कि कंप्यूटर चला रहे हो। आप मैथ्स का कंप्यूटर, कंप्यूटिंग का मतलब बेसिकली होता है मैथ्स से रिलेटेड, और या फिर आप कंप्यूटर पे किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो। ओके, तो ऐसा नहीं कि बादल पे बैठे हैं और बादल पे बैठ के अपन आराम से मैच कर रहे, तो वो मतलब बिल्कुल मत समझ लेना, इसके वर्ड से मत चले जाना। एक दो एग्जाम्पल्स आप समझो, उन एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे जब अपन चलाते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, हॉटस्टार चलाते हैं, या फिर अमेजोन प्राइम चलाते हैं, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाला लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा वहां पे। अब इस पे देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई मूवी आई, जैसे मान लो पठान मूवी आई और हमें पठान मूवी देखनी है, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है मान लो, तो हमें उस मूवी को डाउनलोड करने की जरूरत है ही, हमें उसे डाउनलोड नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रीम करते हैं, उसको सीधा देख सकते हैं। हमें ऐसा नहीं कि पहले हम इसको डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करें या फोन में डाउनलोड, तब उसके बाद देखें, नहीं, आप उस पर क्लिक करो, सीधा चल जाएगी। तो वो ऑलरेडी कहाँ पे स्टोर है? कहीं एक क्लाउड है, उस क्लाउड के ऊपर से सारा डेटा, नेटफ्लिक्स का पूरा डेटा स्टोर है, और वो डायरेक्ट लाइव आपको, मतलब लाइव इन द सेंस कि वो डायरेक्ट स्ट्रीम कर रहा है आपको। ओके, तो ये जो क्लाउड होता है इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये यूजर को जो मतलब देख रहा है उसको अलाउ करता है कि वो क्लाउड से एप्लीकेशन या सर्विसेज या कोई भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सके, प्लस में अपना डेटा स्टोर कर सके। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। एक तो बात होगी नेटफ्लिक्स की, भाई नेटफ्लिक्स का जो पूरा डेटा कहीं पे स्टोर होगा तो उसी, वो एक क्लाउड हो गया। दूसरी चीज, आप फोटो खींचते हो अपने फोन में, फोटो खींच के क्या करते हो, आप डिलीट करते हो, लेकिन उस फोटो, वो फोटो कई बार आपको क्या करेंगे, गूगल फोटोज में मिल जाते हैं, गूगल फोटोज में स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो देखो ये जो डेटा है ये गूगल फोटोज में स्टोर हो गया है आपके, तो वो गूगल का क्लाउड होगा, उस क्लाउड में ये डेटा स्टोर हो गया। आप कभी भी जाओ उस फोटो को देख सकते हो, आप डाउनलोड कर लो। मान लो आपका फोन की जो मेमोरी है वो फिल होगी, तो आप क्या करते हो, अपने फोटोज को और जो उनको डिलीट करते हो, बट
या फिर क्या करोगे आप, गूगल फोटोज में उसको स्टोर कर देते हो। तो ये जो गूगल फोटोज में जो स्टोर कर रहे हो, ये जो है जहां पे चीजें स्टोर हो रही है, वो एक क्लाउड है। कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स डिलीवरिंग होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। होस्ट को कौन होता है, जो रखता है मतलब चीजों को। तो ये जो जहां पे डेटा स्टोर होता है इंटरनेट के ऊपर, जो डेटा स्टोर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं क्लाउड। ये क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है ताकि जो कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेज हैं, या सर्वर मान लो, या कोई डेटा आपने स्टोर कर दिया, आपने फाइल मूवीज या वीडियोज या जो भी कुछ है, एप्लीकेशन आपने स्टोर कर दिया, सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर जो ये चीजें स्टोर होती हैं उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। या फिर आप सोचो ड्रॉप बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स का एग्जाम्पल है। या गूगल ड्राइव है, देखो गूगल ड्राइव भाई आपके उसमें तो नहीं होती, फोन में तो नहीं होती, आपने गूगल अकाउंट बना रखा, उसके ऊपर आप गूगल ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर करते जाते हो, आपको फोन भरने की जरूरत नहीं होती। क्या कर रहे हो, उठाया आपने फोन से और गूगल ड्राइव में डाल दिया आपने। तो गूगल ड्राइव में जहां ये स्टोर हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजोर हो गया, या अमेजोन का वेब सर्विसेज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से आप समझ गए कि भाई ये एक ऐसी तकनीक है जिससे क्या होता है कि भाई कंप्यूटर से मतलब इंटरनेट पे चीजें स्टोर की जाती हैं, ताकि जब मन किया तब जो यूजर है उनको एक्सेस कर सके, उनको यूज कर सके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसकी फीचर्स क्या है, फीचर्स अभी अपन लोग बात कर भी चुके हैं कि भाई ऑन डिमांड है, आपका जब मन करे तब आप नेटफ्लिक्स पे जाके चीजें देख सकते हो, आपका तब मन करे तब आप गूगल फोटोज पे जाके। अब वो ऐसा नहीं है कि भाई आपके फोन की मेमोरी भर गई, फुल फिल होगी तो वो फोटो डिलीट कर दिया, आप उस फोटो को देख नहीं सकते। अगर आपने वो गूगल फोटोज में डाल दिया तो आप क्या करोगे, उसको कभी भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। सेम ऐसे ही गूगल ड्राइव पे कोई फाइल आपने सेव कर दी, तो ऑन डिमांड जितना आपको यूज करना है और उतना ही उसके लिए आपको पे करना है, जितना यूज करोगे उतना ही पे करना है, ज्यादा पे नहीं करना। तो इसको बोल सकते हैं इलास्टिक है भाई, ये फुली मैनेज बाय द प्रोवाइडर। देखो एक चीज, एक और एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो जैसे तेज सिविल्स ही है भाई, तेज सिविल्स आया, अभी तो हमारी बहुत छोटी टीम है। चलो तो अभी क्या करते हैं कि हम लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज में सिर्फ 100 लोग लिए, तो 100 कॉपीज को हैंडल करना चलो हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन अगर मान लो हम धीरे धीरे भाई डिमांड बढ़ती है और हम लोग अपनी टीम को बढ़ाते हैं, तो और ज्यादा कॉपीज आएंगी, एक टाइम आएगा कि 500 कॉपी आएंगी, फिर 1000 कॉपी आएंगी। अब इन कॉपीज को भाई अलग स्टोर करना, मान लो हमारे कंप्यूटर्स या जो भी है हमारे गैजेट्स हैं इनमें इतना स्टोर ही नहीं हो पा रहा, प्लस में जो हम टीम जो हायर करेंगे, वो टीम हायर करेंगे उनको नए गैजेट्स दिलाने पड़ेंगे नए, ताकि वो भी स्टोर करें, नई हार्डवेयर जो हार्ड डिस्क है वो खरीदनी पड़ेंगी। तो ये कब तक ये सारी चीजें चलेंगी, तो सोचो कितना हार्डवेयर हमको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी जगह हो जिसपे हम सब लोग क्या करें, ये सारी कॉपीज को अपलोड कर दें और सब लोग जितने भी टीम के मेंबर हैं या स्टूडेंट्स हैं उन कॉपीज को एक्सेस कर सके। ओके, तो वो क्या होगा, वो एक क्लाउड होगा, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे सारी चीजें। अब इससे क्या हुआ, हमने क्या हुआ कि एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर कर दिया, और ये इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इसको संभाल कौन रहा है, गूगल संभाल रहा है इसको। हमें अलग से ना तो लोग हायर करने की जरूरत कि भाई लोग इसको संभाले, अलग से हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। तो अगर जब सोचो ये हार्डवेयर खरीदना, लोग और हायर करना, अब इनमें अगर पैसा लगाएंगे तो हमारा जो मेन काम है, जो पढ़ाने का काम है, वो क्या हम काम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तभी तो स्टार्टअप्स क्या करते हैं इन चीजों को, भाई जो ये सारी चीजें हैं, ये वो जो प्रोवाइडर कंपनी है, जो ये सर्विसेज ये कंपनी जो दे रही है वही संभालती है सारी चीजें। जो कंपनी सर्विसेज को ले रही है उनको अलग से चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चीजें होंगी वो सारी प्रोवाइडर जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है वो संभालता है। हमें तो सिर्फ एक अपना कंप्यूटर और एक अच्छा इंटरनेट होता है कि सारी चीजें हैंडल कर सके अपन लोग। डाटा इंटेंसिव भाई ये ना डाटा पे फोकस करते हैं सर, कंप्यूटेशन पे ज्यादा, मैथ्स और कैलकुलेशंस पे फोकस नहीं करते कि डेटा कितना, उसको कैसे स्टोर करना। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी ऐसी, अगर मान लो जैसे कोई नई मूवी आई, या फिर नेटफ्लिक्स को अब जैसे अभी इंडिया में आया और किसी दूसरी कंट्री में जाके अपने ऑफिस खोलने और अपनी रीच को बढ़ाना है, तो वो उनका डेटा या उनका सर्वर इतना स्ट्रोंग होता है कि अगर मान लो रीच बढ़ानी है या स्केलेबिलिटी बढ़ानी है तो भी वो उस चीज को मैनेज कर ले। या मान लो जैसे एकदम से सर्वर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, बहुत ज्यादा लोग मान लो एक मूवी
आई, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, तो भी वो उस चीज को मैनेज कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि भाई लोगों को रुक रुक के मूवी दिख रही है, वो ढंग से देख ही नहीं पा रहे, वो ऑनलाइन अच्छे से स्ट्रीम हो रही होगी, अच्छे से दिख रही होगी आप लोगों को। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये फीचर्स की अपने आप को मतलब स्केलेबल भी है ये चीज, आप अपने आप को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो एक तो देख लिया हम लोगों ने कि भाई ऑनलाइन मतलब ऑन डिमांड है, कि जब आपका डिमांड करे, जब मन करे तब आप देखो। लचीलापन मतलब कि फ्लेक्सिबल है, कि भाई जितना आप देखोगे उतना ही आपको पे करना है, और जो भी जो इस सर्विस को प्रोवाइडर है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसी को सारी चीजें संभालनी होती हैं, वही चीजें देखता है, और डेटा पे ज्यादा फोकस करते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब भाई आप जो है इसका स्केल बढ़ा सकते हो, लार्ज अमाउंट पे इस चीज को कर सकते हो। फिर हम लोग देख लेते हैं कि कितनी कैटेगरी का होता है, तीन कैटेगरी का होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अपने को इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर मान लो पूछ लिया जाए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन लिख दो और उसकी तीन टाइप लिख दो डायग्राम बना के, बस एक होता है सास, एक होता है पास और एक होता है आएस। ठीक है, सास या सैस भी कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कि भाई जो प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर है, वो आपको क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है यूज करने के लिए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्या कर रहा है कि क्लाउड प्रोवाइडर क्या कर रहा है, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीजें हम देख लेंगे, हम बड़े बड़े वो सारी चीजें बना लेंगे, बड़े बड़े हार्ड डिस्क देख मैनेज करेंगे जिनमें आपका डेटा स्टोर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना उन चीजों में। ठीक है, कौन यूज करते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट इसको यूज करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं, और एंड यूजर्स जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है वो अपन लोग यूज करते हैं, जैसे आप ये गूगल ड्राइव वाली जो चीजें होंगी या ड्रॉप बॉक्स वाली जो चीजें होंगी वो अपन लोग। तो सिंपल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तीन कैटेगरी का होता है, कौन कौन से क्या क्या नाम है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसको कौन यूज करता है, एंड यूजर यूज करता है, इनको कौन, सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करता है, और इनको कौन इस्तेमाल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट इनको यूज करते हैं। फिर आगे आता है कि भाई इनकी क्या एडवांटेज है, इनके लाभ क्या है, इनके क्या क्या फायदे हैं। एक तो सिंपल सी बात है कि भाई ये एफिशिएंट है, बहुत फास्ट आप चीजों को कर सकते हो, है ना, बहुत एफिशिएंट, इस तरीके से कि आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है ही नहीं। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बना नहीं, मतलब हमें ना तो नई टीम खरीदने की जरूरत, ना हमें हार्डवेयर खरीदने की जरूरत, हार्ड डिस्क खरीदने की जरूरत नहीं, सब कौन कर रहा है, ना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लाने की जरूरत, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो इन चीजों को संभाल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा। जब हमारा पैसा बचेगा तो कंपनी क्या करेगी, उन चीजों पे फोकस करेगी जो कि उनकी एक्सपर्टीज है, मतलब जैसे तेज का एग्जांपल ले ले, तो कंटेंट प्रोवाइड करेगी, पढ़ाएगी, मेंस टेस्ट सीरीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगी, ना कि भाई कि इन कॉपीज को कहाँ स्टोर करें और ये सारी चीजें, है ना। लोकेशन इंडिपेंडेंस, आप कहीं से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो, आपकी हार्ड डिस्क मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप वहां पर रखी है ये सारी चीजें, वो वहीं पे जाके आप नहीं, कहीं से भी आप फोन कहीं पे आपके पास, बस अच्छा इंटरनेट होना चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, रीयूजेबिलिटी भाई, अदर मतलब बताया था ना कि बहुत लोग इसको यूज कर सकते हैं, कॉपियां मतलब स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और हमारी टीम के सारे मेंबर्स वहां पे उसको देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके, भाई इस बच्चे की कॉपी देखना, इस बच्चे, जैसे मैं सर को बोल दूं कि सर ये वाली कॉपी आप देख लें, तो मैंने वहां पे एक जगह पे डाल रखी है, ड्रॉप बॉक्स में डाल रखी है, सर वहीं से देख लेंगे, मुझे वो पेन ड्राइव से या हार्ड डिस्क से अलग से देने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, बेटर सर्विस डिलीवरी, अब अगर मतलब सरकार भी इस चीज को अगर यूज करती है तो आपकी सर्विस डिलीवरी बेटर होती है, जैसे डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्केलेबल की तो बात हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग दूर दूर तक तो इस चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग भी उसको यूज कर पा रहे हैं, यूएस में भी अगर कोई लोग बैठे हैं तो भी उस ड्रॉप बॉक्स को जाके ओपन करके या गूगल ड्राइव को ओपन करके उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस, अभी नहीं एडवांटेजेस को आप गवर्नेंस में रिलेट कर लेना कि गवर्नमेंट इन चीजों को कैसे यूज कर सकती है। ठीक, अब आप सोचो जब अगर कोस्ट कोई स्टार्टअप खोल रहा है और उसको ये सारा पैसा लगाना ही नहीं पड़ा, तो वो अपना पैसा अच्छी चीज में लगाएगा जो उसकी एक्सपर्टीज है, एफिशिएंट होगा तो वो चीजों को जल्दी डिलीवर कर पाएगा, उसको स्टार्टअप को ऐसा नहीं कि मान लो कहीं पर जाना पड़ रहा है तो वहां से भी उस चीज को एक्सेस कर सकता है। ऐसे कनेक्ट किया करो हर एक चीज को कि अच्छा इसका यूज अब कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने कि क्या क्या लाभ है, क्या किस तरीके से इसकी एडवांटेज है, लेकिन एडवांटेजेस के साथ हमेशा क्या है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि भाई कुछ बाधाएं भी आती हैं जो कि उस चीज को रोकते हैं। जैसे अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्या क्या चल, भाई एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हाई स्पीड इंटरनेट ही नहीं है अभी, 5G, चलो 5G भी अभी कुछ सिटीज में आया है, पूरे इंडिया में 5G अभी नहीं आया है ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए तो इंटरनेट बहुत जरूरी है।
एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट भाई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या पावर हो गया, ये सारी चीजों को मैनेज करना। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं। कंसोलिडेशन ऑफ सर्वर्स, अभी इतने सारे बड़े बड़े सर्वर्स को मैनेज करना, उनको इकट्ठा करना, उनको हैंडल करना, वो भी बहुत बड़ी चीज है। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, जो प्लेटफॉर्म पे सर्वर पे जो चीजें मिलेंगी उसको मैनेज करना, उसके लिए टेक, मान लो कोई दिक्कत आ गई उसमें तो उसको मैनेज करना, है ना। फिर जो कस्टमर है उस तक सारी चीजें डिलीवर करना। सिक्योरिटी भाई, डाटा सिक्योरिटी, डाटा जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आपने लॉग इन किया तो उस डाटा को भी तो सिक्योर रखना है, पता चला उस डाटा को किसी ने हैक कर लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स है। और इस पे एक चीज होती है कि डिपेंडेंसी ऑन दी सर्विस सर्वर प्रोवाइडर। अब जैसे इससे क्या समझोगे, जैसे मान लो जो आप लोग कभी ऑनलाइन एग्जाम दिए होगे, तो मान लो आपका इंटरनेट तो अच्छा चल रहा है, आपका लैपटॉप सही चल रहा है, लेकिन पीछे से जो उस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है जो सर्वर, वो अगर सही से नहीं चल रहा है तो आपका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाती है, सर्वर प्रोवाइडर, जो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है ना उसके ऊपर है। तो ये चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां हैं, ये दिक्कतें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, कि भाई एक तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि जो स्पीड है इंटरनेट की वो ज्यादा की जरूरत है। ओके, एनर्जी या ऊर्जा से रिलेटेड चीजें। ओके, प्लेटफॉर्म को मैनेज करना, डेटा डाटा सुरक्षा की, भाई डाटा सिक्योरिटी की बात आती है वहां पे फिर। ओके, और निर्भर हो जाता है आदमी किस पे, सर्वर जो प्रोवाइड कर रहा है उस पे निर्भर हो जाती है चीजें। अब इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब बहुत सारी चीजों में इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रही है। जैसे IoT वा हो गया, या फिर MNC जो बिग डेटा में, ऑनलाइन परचेज में, मेल में, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग में, इन सारी चीजों में अब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एप्लीकेशन है या जो उसके यूजेज है वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं, जैसे रिटेल सेक्टर में भी, रेलवे भाई, रेलवे भी है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग भी, बैंकिंग भी, एजुकेशन भी, हेल्थ केयर भी। अब एजुकेशन कैसे, एग्जाम्पल बता सकते हो, डिजी लॉकर है। जैसे डिजी लॉकर पर भी देखो ना, सबके डेटा, सबकी मार्कशीट और ये सारी चीजें स्टोर है, तो वो कहीं पे एक क्लाउड है उस पे स्टोर है। तो एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर में भी क्या कर रहा है कि भाई जो सारे हॉस्पिटल्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया, अब इसी पे ये सारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। आप मान लो यहाँ पे आपने इलाज किया कराया इस हॉस्पिटल में, और अगर मान लो आपको मूव करना पड़ा किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स को फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही वो डेटा एक्सेस कर लेंगे इसका, ठीक है। तो इस तरीके अब गवर्नमेंट में भी ऐसे कि भाई कोई मान लो जयपुर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ पे कोई स्कीम है तो उसका अगर डेटा देखना है, और कोई दिल्ली में बैठ के उस डेटा का, तो वो फाइल वहां से वो ड्रॉपबॉक्स में ही देख लेगा, या जीमेल पे ही देख लेगा, या फिर गूगल ड्राइव पे ही देख लेगा उसको, ये नहीं कि फाइल बाय आप लेके जा रहे हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो जहां पे गवर्नमेंट इनको यूज करी। अब आपको इन एग्जाम्पल्स को यूज करना है अपने क्वेश्चन में, कि भाई सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या चीजें या क्या क्या स्टेप्स उठाए क्लाउड कंप्यूटिंग को गवर्नमेंट में, या गवर्नेंस में, गवर्नेंस डिलीवरी में, कि लोगों तक जो सर्विसेज है उनको पहुंचाया जा सके। जैसे ई गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस का एग्जांपल आप दोगे, डिजी लॉकर हो गया, ई ग्राम पंचायत की, पंचायतों का डाटा सारा वहां पे, कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा लगा है, सरपंच ने किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया है, या किसान सुविधा पोर्टल की, किसानों के लिए सुविधा की, भाई ये किसान है, इनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस पोर्टल पे जाके ये अपनी ग्रीवांसी या जो भी इनकी दिक्कतें हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं, और उनका जो भी निवारण होगा वो वहां जाके देख सकते हैं। RTI, RTI का पूरा डेटा कहाँ पे, एक क्लाउड पे स्टोर कर दिया, आप किसी को किसी चीज में एक्सेस करना है तो वो वहां जाके देख सकता है। मेघराज क्लाउड, ये एक बनाया है मेघराज, मेघराज मतलब एक क्लाउड बना दिया, इस क्लाउड पे गवर्नमेंट की जो भी, मतलब गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो एप्लीकेशन दे रही है, उन सबका डेटा है, उन डेटा को होस्ट करता है ये। ओके, ताकि लोगों तक अच्छे से सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। ऐसे ही ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो ई मेघराज के ऊपर जो एप्लीकेशंस है उनको होस्ट करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई है। तो ये एग्जांपल्स की ई गवर्नेंस में, RTI में, मेघराज में, या ई गवर्नेंस ऐप स्टोर, तो ये आपको ध्यान से अपने आंसर्स में यूज करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है ताकि रियल टाइम पे चीजें देखी जा सके। ओके, ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में, कि बैंकों का कितना ट्रांजेक्शन होता है, किसने कितना टैक्स दिया, एक बैंक से दूसरे बैंक में कितना पैसा ट्रांसफर हो, ये सारा डेटा RBI के पास हो, वो वहां पे एक ही जगह से उस चीज को एक्सेस कर पाए। ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर में, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे क्लाउड डेटा को यूज किया गया है। जैसे स्टार्टअप्स का बताया आपको, कि स्टार्टअप में अगर मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण सारी चीजें एक जगह पे स्टोर होगी, तो वो क्या करेगा, जो स्टार्टअप्स होंगे वो उस पैसे, जो जितना पैसा उनको फाइल्स को स्टोर करने में, डेटा को स्टोर करने में लगता, अब उस पैसे पैसे को वो अपनी एक्सपर्टीज में लगाएंगे।
रेलवे क्या करती है, रेलवे क्लाउड बनाया उन्होंने ताकि रेलवे का डिजिटाइजेशन हो सके, मतलब सारी चीजें डिजिटली आपको मिल जाए, सारा टाइम टेबल, कितने लोगों ने सीट बुकिंग की, ओके कितने लोग कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कितना बजट, वो सारा एक ही जगह पे आपको चीजें मिल जाए। ऐसे ही निवारण गवर्नमेंट वो ग्रीवांस पोर्टल बनाया कि लोगों को अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे अगर मतलब निजात पाना है तो वो एक जगह पे जाके अपनी कंप्लेंट्स, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या मतलब किस तरीके से उसको सोल्व किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें एक्सेस कर सके। मतलब कोई शिकायत आ गई कि भाई रेलवे में या भाई वहां प्लेटफॉर्म पे या उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पे, तो वो सारी चीजों का निवारण वो वहां जाके कर सकता है। हेल्थ सेक्टर में बताया कि भाई पेशेंट को अब अभी फाइलें लेके घूमना नहीं पड़ेगा, वो एक डेटा पे स्टोर होगी, उस डेटा वहां से जब किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां से उन फाइलों को एक्सेस किया जा सकेगा, या सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट की इलेक्ट्रॉनिकली वो स्टोर होगी। तो हम लोगों ने स्टार्टअप में देख लिया, रेलवे में देख लिया, या निवारण पोर्टल जो बनाया, रेल क्लाउड ध्यान रखना इस चीज को, ओके, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद आता है कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में सिंपल सी बात है, ऐसे देखो कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ना बहुत सारी अच्छी चीजें तो आ रही हैं, इसको इंसान बिजनेस में भी यूज कर रहा है और अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज कर रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी इसको यूज कर रही है और इस चीज को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा, उनको हैंडल करना पड़ेगा, और अलग अलग इनिशिएटिव्स, जैसे अभी हम लोगों ने मेघराज देखा, ई क्लाउड देखा या ई गवर्नेंस पोर्टल देखा, ये इनिशिएटिव सरकार को लेते रहना पड़ेगा ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग को या क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से कर सके और सरकार हरेक सर्विस को, हरेक सेवाओं को आखिरी इंसान तक पहुंचा सके। और जो हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया को जो डिजिटल इंडिया बनाना है, हम लोग डिजिटल इंडिया वाला जो हमारा सपना है उसको पूरा कर सके। तो ये कंक्लूजन आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो हमने सारी चीजें देख ली, अब उसके बाद एज यूजुअल कि बाय प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हाँ 4 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इनको लिखना और उसके पोस्ट करना, यार पोस्ट करो उन पे, आपको ना मतलब पीयर रिव्यू से इतनी ज्यादा चीजें सीखते हैं और लोग रिव्यू करते हैं, ओके आप उस ग्रुप में जाके देखना, लोग रिव्यू करते हैं, आप पोस्ट करो वहां पे। तो कौन से क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, 2 नंबर में लिखना है, क्या एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, किस में, बिजनेस में और इंडिविजुअल के लिए, एग्जाम्पल देने, उसके चैलेंजेस को डिस्कस करना है, क्या रिस्क है क्लाउड कंप्यूटिंग के और उनके लिए क्या मेजर्स या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, ओके व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स, क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल के लिए, इंडियन इकोनॉमी की पर्टिकुलरली ये बात कर रहा है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग की इंडियन इकोनॉमी में क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, तो ये क्वेश्चन आप लिख के पोस्ट करना वहां पे, बूस्टर वाली चीजों को भूलना मत, सारी बूस्टर वाली चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, आगे नए टॉपिक के साथ आते हैं और नए सब्जेक्ट्स जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत सजेशन दिए कि एथिक्स, पब एड, अलग अलग दिए हैं, तो वी आर डिसाइडिंग, टीम इज डिसाइडिंग कि कौन से टॉपिक्स के साथ आना है, देखते हैं इसको और फिर मिलते हैं बाद में, थैंक यू वेरी मच।